शाम के समय में दिया लोग प्रतिदिन क्यों जलाया जाता है, यानी कि शाम के समय में दिया प्रतिदिन क्यों जलाया जाता है, इसके पीछे क्या राज्य है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे, आपका मालूम चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। भारत का कौन सा सब्जी है जो कि राष्ट्रीय सब्जी कहा जाता है? जी हाँ, भारत का कोहरा अब राष्ट्रीय सब्जी कहा जाता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करें। अगर आपको पहले से पता था तो मेरे चार भारत में सबसे अधिक कहां पर प्याज उगाया जाता है, जो कि सबसे अधिक उगाया जाता है। जी हाँ, नासिक जिला में सबसे अधिक प्याज उगाया जाता है। वह नासिक जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। जी हाँ, महाराष्ट्र के नासिक जिले से सबसे अधिक प्याज उगाया जाता है। वहाँ पर बहुत ढेर सारे प्याज है। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँ किस देश का राष्ट्रीय पुस्तक रामायण है? हमारे देश का तो नहीं है, लेकिन थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ के पुस्तक यानी कि राष्ट्रीय पुस्तक रामायण कहा जाता है। मेरे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करें। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था जिसका नाम आज तक लोग नहीं जान रहे हैं? जी हाँ, उस कंप्यूटर का नाम है, सबसे छोटा कंप्यूटर का इनी एक कंप्यूटर का नाम है जो पहली बार सबसे छोटा कंप्यूटर है। मनुष्य के शरीर में 60% पानी ही है। पानी के जो वजन, हम लोग वजन जो होता है मनुष्य का, उस वजन का 60% पानी ही है, बाकी 40% हमारे शरीर है। मेरे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं। आरबीआई का कोई भी गवर्नर होता है जिसका हस्ताक्षर पैसा पर होता है, लेकिन कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिनका हस्ताक्षर पैसा पर नहीं है? वहाँ आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। दो व्यक्ति हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और उनका पैसा पर हस्ताक्षर नहीं है। अब इसलिए क्यों नहीं है कि आप गूगल से एक बार सर्च करके जान, नाश्ते के समय अगर आप एक चॉकलेट खा लेते हैं उसके बाद अगर नाश्ते कर रहे हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट यह होगा कि आप दिन भर स्वस्थ महसूस करेंगे, आपका माइंड बहुत फ्रेश महसूस होगा। अगर मेरे जानकारी से आपको संतुष्ट है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर। दुनिया में जो कोको कोला है वो कितने आदमी को बनाने का विधि पता है? आप लोग कहेंगे सभी कर्मचारियों के, लेकिन नहीं, ऐसा सभी कर्मचारियों को पता नहीं है। मात्र दो ऐसा व्यक्ति है जिसको पता है कि कोको कोला बनाने का कितना परसेंट कौन सा रखे मटेरियल, कितना परसेंट कौन सा मटेरियल रखे, इसलिए तक कोको कोला इतना फेमस है। एक साल में 30 तारीख को दिन और रात बराबर होता है, जो कि बाकी दिन को नहीं होता है। अगर आपको पहले से पता है तो चार सेक्शन में लिखे। जी, 20 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, जो कि और तारीख को नहीं होता है। मेरी वीडियो अगर अच्छा, हमारे जो नाखून है वो कितने बड़े हो सकते हैं? अभी तक रिकॉर्ड कितना बड़ा है? आप लोग भी नाखून बढ़ाते होंगे, लेकिन आप कितना बढ़ा सकते हैं? कितना फीट? 1 फीट 2 फीट 5 फीट 10 फीट? लेकिन है एक ऐसा व्यक्ति है जो कि नाखून अपने 8.65 मीटर तक बढ़ाया है, 8.65 मीटर तक बढ़ाया है। उस व्यक्ति का नाम है रेडमोन्स नाम है, जो कि 2008 के मुताबिक मेरे वीडियो। अगर आपके मोबाइल का EMI निकालना है, अगर आप भूल गए हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मोबाइल से ही EMI नंबर निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको *#06# नंबर आप अगर डायल करें मोबाइल में तो आपका EMI नंबर निकाल देगा। विश्व में सबसे पहले सर्जरी किस देश में हुआ? आदमी का सर्जरी किस देश में हुआ सबसे पहले विश्व में? भारत देश में आदमी का सर्जरी हुआ, जो कि बाकी किसी देशों में नहीं हुआ। सबसे पहले भारत में ही आदमी का सर्जरी हुआ है। मेरे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं मोबाइल फ़ोन को चार्ज, जो बड़ा वाला मोबाइल फ़ोन होता है उसको चार्ज करने में बिजली बिल कितना आता है? बिजली बिल मात्र बहुत कम आता है, जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जो कि साल भर का मैं आपको खर्च बताता हूँ कि 15 से 25 रुपया के बीच बिजली बिल आता है, जो बड़े मोबाइल का चार्ज होता है, उससे अधिक नहीं आ सकता। मेरे वीडियो आपको मैसेज, यही यह ना कि व्हाट्सएप मैसेज नहीं, मोबाइल मैसेज, जो मोबाइल मैसेज होता है वो 90% मैसेज जब भेजा जाता है उसकी कितने देर बाद लोग 90% मैसेज देख लेते हैं? 3 मिनट बाद 90% लोग अपने खुद मैसेज देख लेते हैं मैसेज जाने के बाद। मेरे आपको समय, शाम के समय दिया क्यों जलाया जाता है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ राज्य है जिसके कारण अब तक शाम के समय दिया जलाया प्रक्रिया जा रहा है? जी हाँ, मैं बताता हूँ कि शाम के समय दिया क्यों जलाया जाता है।
जो कि शाम के समय आप लोग देखते होंगे कि मच्छरों जो होता है अधिक हमारे दरवाजे घरों में प्रवेश करता है, जिसके कारण कीटाणु जीवाणु विषाणु हमको आँख से दिखता नहीं है, उसको मारने के लिए शाम के समय दिया जलाया जाता है जिसके कारण वह मर सके, जिसके कारण मुझे शुद्ध वातावरण फिर से मिल सके। इसलिए शाम के समय में दिया जलाया जाता है, यह प्रक्रिया से मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट है, जिसके कारण यह प्रक्रिया अभी तक चल रहा है। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।